एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोगरा गांव से कब्र से शव निकाला गया है। दरअसल 26 मार्च को बटियागढ़ पुलिस थाने में एक युवक देवसे लोधी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसे लेकर पुलिस लापता देव की तलाश कर रही थी। इसी बीच बटियागढ़ पुलिस ने कुछ संदेहियों को पकड़ा, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी पूछताछ के दौरान एक संदेही ने देव का शव एक खेत में कब्र खोदकर दफनाने की बात कही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गुगरा गांव में संदेही द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई शुरू कराई तो गड्ढे से शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव के अवशेषों को कब्जे में लिया है। इस खुदाई में देव का धड़ मिला है, जबकि उसका सिर गायब है। फिलहाल पुलिस ने शव को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेजा है और आगे की जाँच की जा रही है। सनसनीखेज घटनाक्रम को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। आज पुलिस की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम गोगरा गांव में जो है एक डेड बॉडी किसी खेत में जो है दफना दी गई है। तो उसको निकालने के लिए जो है मौके पर पुलिस वाले एवं एफएसएल टीम के साथ उपस्थित हुए थे और बताए गए निशानदेही स्थान पर जो है खुदवाया गया, तो एक सिर कटी लाश जो है डेड बॉडी प्राप्त। ये 26/3/24 में थाना पर एक गुम इंसान कायम हुआ था ग्राम गोगरा से। देव सिंह बल्द गुलाब सिंह लोधी उम्र 30 वर्ष की, जिस गुम इंसान तलाश के दौरान में तथ्य सामने आए हैं कि किसी व्यक्ति ने हत्या करके बॉडी खेत में गाड़ दी है और उसकी गर्दन का ऊपर का हिस्सा जंगल में कहीं डाल दिया है, जो आज श्रीमान SDM महोदय के निर्देशन पर उसका उत्खनन कराया गया है। जो नायब साहब श्री चौधरी जी मौके पर आए और उनके उस निर्देशन में उत्खनन किया गया है, जो सड़ी गली लाश बगैर सर के मिली हुई है।